आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन का असर कुदरत पर भी नजर आ रहा है। खबर राजस्थान से है, जहां विलुप्त हुई पक्षियों की प्रजातियां एक बार फिर से दिखने लगी हैं। आबो हवा शुद्ध हुई तो स्थानीय पक्षियों की चहचहाट भी फिर से सुनाई देने लगी है। इस तस्वीरों को देखिए। कहते हैं कुदरत का संगीत सबसे मधुर होता है। खामोशी में पक्षी जब चहचहाते हैं तो मन को आत्मिक शांति मिलती है। आजकल इसी सुकून का एहसास हो रहा है राजस्थान के जयपुर में, जहां विलुप्त हुई पक्षियों की प्रजातियां एक बार फिर नजर आने लगी हैं। लॉकडाउन के कारण आबो हवा शुद्ध होने के बाद छोटे बड़े तालाबों पर पक्षियों ने डेरा डाल लिया है। करीब 1.5 साल से लगातार लॉकडाउन होते रहे, खुलते रहे, लेकिन इस दौरान आबो हवा साफ हुई, प्रदूषण बहुत कम हुआ, गाड़ियों की आवाजाही नहीं हुई, लिहाजा प्रदूषण तो कम हुआ ही। उसके चलते जो पक्षियों की आवाज़ें, उनका कलरव हम सुन नहीं पाते थे, वो आवाज़ें भी इन दिनों सुनाई देती हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं झालाना में। यहाँ करीब 20,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं पक्षियों की, और सबसे ख़ास बात यह है कि केवल झालाना में नहीं बल्कि तमाम हमारे जो जयपुर के आसपास तालाब हैं वहाँ भी प्रवासी नहीं बल्कि स्थानीय पक्षियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पक्षियों के लिए कोरोना काल का पिछला 1.5 साल वरदान साबित हुआ है। इस दौरान इंसान तो सांस नहीं ले पाया, लेकिन कुदरत और परिंदों को खुलकर सांस लेने का मौका मिला। इसी का नतीजा है जयपुर के कानोता, मानसागर, चंदलाई, बरखेड़ा समेत दूसरे तालाबों के पास स्थानीय के साथ ही विदेशी पक्षी भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पेड़ों पर बसेरा बना लिया है। इन परिंदों के लिए शासन प्रशासन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। बर्ड्स जो है ना, एयर पोल्यूशन कम हुआ है, तो चाहे वो जंगल के पक्षी हों या वो पानी के पक्षी हों, तो सबके लिए जो है पोल्यूशन कम हुआ है और सबकी मात्रा काफी हमने बढ़ती हुई समय देखी। सालों बाद जयपुर में इस बार जलीय तटों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी प्रजातियां बड़ी संख्या में आना शुरू हुई। दरअसल पर्यावरण से प्रदूषण दूर होने का कमाल है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर से आई ये तस्वीर यकीनन दिल खुश करने वाली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पक्षियों का ये कलरव सालों साल ऐसा ही सुनाई दे। लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।